रामपुर में युवती के अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपहरण की गई युवती के परिजनों ने यह आरोप अपनी बेटी के मंगेतर जहांगीर पर लगाया है। इस मामले में कई सारे पेंच हैं, जिसे पुलिस जल्द ही सुलझा लेने का दावा कर रही है। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी का रिश्ता 2 साल पहले जहांगीर से हुआ था, लेकिन 2 साल बाद जहांगीर शादी से मुकर गया और उत्तराखंड में रिश्ता तय कर लिया, जिस पर लड़की उत्तराखंड पहुंची और सारी जानकारी दी। इस बात से भड़के जहांगीर ने पायल को गन पॉइंट पर लेकर धमकी दी और 1 नवंबर को पायल का अपहरण हो गया। ये आवाज आ रही है कि मेरी बेटी जिंदा नहीं है। मार दिया उसे। मार दिया, पक्का 100% मार दिया उसको। किसने मारा है? इसने जहांगीर ने मारा है और किसी ने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि इसी ने बुलाया था उसको, इमरोज लड़के के साथ बुलाया था। बुलाने के बाद उसको वहां पर बुलाया, और बुलाने के बाद उसका रेलवे स्टेशन वहां पर फार्म पे, और उसका मोबाइल जो था स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद जब मैंने उसको कॉल करी तो उसका बच्ची का मेरी मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया। अच्छा बताओ जहांगीर क्यों मार रहा है? जहांगीर यूं मार रहा था कि वो उसके बीच में दीवार बन रही थी। वो कह रहा था मैं इसको अब करूंगा नहीं। 8 साल उसने उसके धोखे में बहुत उसको रखा कि मैं 8 साल से, मतलब अब मैं, मेरा दिल तुझसे हट गया। मैंने, मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता रामनगर में तय कर दिया। पहले तुमने कर दिया था? पहले हमने कर दिया था उसका रिश्ता। जब उसने हमसे 2 साल तक करा तो हमने रखा, जब उसने खत्म करा तो मेरी बच्ची इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। मैं कहती थी मैं करूंगी तो जहांगीर को, नहीं तो मम्मी मैं शादी कहीं नहीं करूंगी। लेकिन वो नहीं चाहता था? वो नहीं चाहता था, वो घर पे भी आया था तमंचे लेके, लेकिन उसका ही हाथ है कि मेरी बेटी को जो मारा है तो उसी ने मारा है। बस सारे लोगों से मेरी यही एक दुआ है कि वो मेरी मदद करें और मेरी बच्ची को जिंदा सलामत मेरे पास दे दें। इतना ही नहीं, जब परिजनों ने अपहरण की सूचना थाने में दी और 3 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया, उसके कुछ घंटों बाद ही तीनों आरोपी अपने पुराने केसों में सरेंडर कर जेल चले गए। इस मामले पर एसपी का कहना है कि आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। गंज क्षेत्र से एक लड़की गायब चल रही है, उसके संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है? कुछ दिनों पूर्व युवती के घर वालों ने उसकी किडनैपिंग की सूचना दी थी, पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। 3 लोग इसमें नामजद किए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को पुलिस जेल भेज चुकी है, दूसरा व्यक्ति सरेंडर हो गया है। उसका मुख्य रोल इस मामले में बताया जा रहा है, तो उसको पीसीआर अप्लाई कर दिया, शीघ्र पीसीआर मिल जाएगा। तीसरे व्यक्ति की पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है, जो विधिक प्रक्रिया उसके तहत पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अपनी बेटी को वो मरा हुआ मान रहे हैं। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर मामले की जांच कर रही है। रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। ये नहीं पता कहाँ से लाया क्या पुलिस वाला।